तो यारो वो रज्जत दलाल ने तो माफी मांग ली है, उसने भी सॉरी बोला है, बोले एजाज भाई तुम मेरे बड़े भाई हो, और एल्विस यादव ने भी माफी मांगी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले रज्जत दलाल और एल्विस यादव ने मिलके एक वीडियो बनाई थी जहां वो एजाज खान से बोल रहे थे कि भाई फोन उठा लो और लोकेशन भेज दो। बट यस, उसके बाद हमें कोई भी वीडियो देखने को नहीं मिला रज्जत दलाल और एल्विस यादव की तरफ से। बट आज एजाज खान की तरफ से एक वीडियो देखने को मिला जहां वो बोलते हैं कि रज्जत दलाल और एल्विस यादव ने उनको सॉरी बोला। तो यारो वो रज्जत दलाल ने तो माफी मांग ली है, उसने भी सॉरी बोला है, बोले एजाज भाई तुम मेरे बड़े भाई हो, और एल्विस यादव ने भी माफी मांगी है माशाल्लाह, और बोला है भाई तुम मेरे बड़े भाई हो, और बम्बई में हम मिलेंगे तो बोले वीडियो भी बना लेंगे। तो मैं बोला तेरे फैन लोग को जरा समझा दे कि गाली गलौज ज्यादा कर रहे, उस चक्कर में तू तकलीफ में आ जाएगा। तो बोला सही बात है भाई, लेकिन मैंने थोड़ी कुछ बोला आपको, मेरे फैन लोग बोल रहे हैं ना, तो इसका फैसला हो गया, बाकी बचा वो चोको चूसिया उसका इंतजार कर रहे, दो हफ्ते लिए उसने बॉडी बॉडी बनाएगा, थोड़ा वर्कआउट वर्कआउट करेगा, नहीं आ जाओ रे साहब। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। वेल, इस मुद्दे में एंट्री हो गई है ताराबाई जोगिंदर की। तो भाई वो एक वीडियो डाले जहाँ पर वो एजाज खान का वॉइस नोट सुनाते हुए नजर आते हैं और उनके मैसेज भी दिखाते हैं, आप देखें। मेरा तुम्हारा एजाज खान, ओ अगर तेरे अंदर हिम्मत है ना तो मिल मेरे को मुंबई के अंदर। यार क्या रे ताराबाई जोगिंदर, पहले वीडियो को ठीक से देख। मैंने कहा जो जो यूट्यूबर मेरे बारे में बोलेगा उसको लेके आऊंगा मैं, जो जो मेरे बारे में। अगर तेरे अंदर इतनी पावर है ना तो फोन उठा व्हाट्सएप पर, और ये तेरा ही फोन आ रहा कल, साले फोन उठा। और तेरा मैसेज क्या रखा है, तू और अपने बाप रजत दलाल को भी लेकर आना, रजत दलाल होगा तेरा बाप, लोकेशन तेरी, मुंबई का एरिया तेरा, और धाक मेरी, आजा 1-to-1। करियर तेरा कुछ है नहीं, बनने आ गया पर तू सलमान खान। वेल गाइज, आपको कैसा लग रहा है इस ई लफड़ा को देखकर हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो मुनव्वर फारूकी ट्रोल करते हुए नजर आए बिग बॉस के कुछ कंटेस्टेंट को, बेसिकली अदनान और कटारिया को उन्होंने ट्रोल किया। अपने ट्विटर पर वो लिखते हैं, कटारिया इज माई फेवरेट फ्रॉम ऑल कंटेस्टेंट ऑफ खतरों के खिलाड़ी, और अदनान के लिए लिखते हैं, अदनान 07 days के लिए आया था। वेल गाइज, आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।